हाय गाइस, दिस इज सोमजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, दैट इज कि अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, मतलब जो क्लास 10 से क्लास 11 में उठे हो, अगर वो स्टूडेंट हो तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारे थिंग्स को मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करूँगा, बताऊँगा धीरे धीरे। तो वीडियो को स्टार्ट से देखना अंत तक। और अगर आप इस साल नीट देने जा रहे हो और अगर आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा है इस चैप्टर में, रिविजन करने आए हो इस वाले वीडियो में, तो गाइस ऑब्वियसली इस वीडियो को 3 मिनट से देखो, 2 मिनट 30 सेकंड और 3 मिनट से देखो, क्योंकि वहां से मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन बायोमेड किट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें मुझे फॉलो कर देना। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा वीडियोज का नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को ऑलरेडी मैंने सेल पढ़ा दिया था, सेल क्या होता है, सेल का फंक्शनलिटीज क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइज क्या होता है, एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैंने वहां पर कहा था सेल्स जब होते हैं, अगर एक सेल रहे, सेल मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं टिश्यू, टिश्यूज मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, टिश्यूज मिलकर क्रिएट करते हैं ऑर्गेन। ऑर्गेन मतलब क्या, स्टोमक कहो, लीवर कहो, हमारा जो होता है आई का ऑर्गेन, ठीक है, और पैनक्रियास का। पहले आपको जानना पड़ेगा टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद आपको जानना पड़ेगा टिश्यूज जो होते हैं उनका मेन जो टिश्यू होता है, टिश्यू का टाइप कितना होता है, ठीक है। तो टिश्यूज का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिमिलर सेल्स, ठीक है, सिमिलर सेल्स। इसके बाद वाला सेकेंड वाला पॉइंट क्या होता है, सेकेंड वाला पॉइंट होता है सेम ऑरिजिन, ठीक है, सेम ऑरिजिन। और उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है, थर्ड वाला पॉइंट होता है कॉमन फंक्शन, ठीक है, कॉमन फंक्शन। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। तो अगर आप सोचो, यहां पर अगर आप इस तरह से सोचते हो, सिमिलर सेल्स मतलब ये, अगर मैं स्टोमक को ले लेता हूं यहां पर, यहां पर जो सेल्स रहेंगे यहां पर लाइनिंग में, ये सेम सिमिलर सेल्स होंगे, मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सेम ऑरिजिन, मतलब जहां से एक सेल ओरिजिनेट करेगा, मतलब ओरिजिन सेम होगा, ठीक है, यहां से डिफरेंट सेल प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। ये चार तीन पॉइंट आपको याद रखना होगा। एंड थर्ड वन इज कॉमन फंक्शन। अब तुम सोचो स्टोमक का मेन फंक्शन क्या होता है, मेनली डिफरेंट टाइप का एंजाइम सिक्रेट करना, ठीक है, एंजाइम सिक्रेट करना। तो एंजाइम अगर सिक्रेट करेंगे तो हर सेल एंजाइम ही सिक्रेट करेगा, मतलब सिमिलर टाइप का फंक्शन होगा, मतलब डाइजेशन में ही हेल्प करेगा हर एक सेल। ये नहीं होगा कि इसका कोई एक सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, एंजाइम सिक्रेशन में एंड डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये पॉइंट को समझो, 3 नंबर पॉइंट को कॉमन फंक्शन। तो ये मेन 3 पॉइंट्स हो गए। तो इसके बाद हम आते हैं टिश्यूज का टाइप कितना होता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला पॉइंट जो आता है, सेल का जो पहला नाम वो किसने दिया था, ठीक है, टिश्यू, ये टर्म, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गिवन बाय बीचार्ट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपको याद रखना होगा। जो रिवाइज करने आए हो उन लोगों को भी मैं बता रहा हूं, अगर आप ये नहीं जानते बीचार्ट के नाम तो ये जान लो। एंड हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी होता है जो टिश्यूज को लेकर हम जो स्टडीज करते हैं, टिश्यूज को लेकर जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, हिस्टोलॉजी ये स्टडीज करते हैं। ये टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था, मायर ने, ठीक है, मायर। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में मैंने बता दिया, तो गाइस रिमेंबर इट एंड वॉच इट, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ। तो इसके बाद हम आएंगे टिश्यूज कितना टाइप का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ टिश्यूज कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का टिश्यूज होता है। आप मेरे साथ बताओ, रिवाइज करो, आप अगर आप जानते हो तो रिवाइज करो, अगर आप नहीं जानते तो जान लो, ठीक है। क्या होता है, पहला टाइप जो होता है वो होता है एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल के बाद क्या होता है, कनेक्टिव, उसके बाद क्या होता है, एपिथेलियल कनेक्टिव। थर्ड वन इज मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर। एंड फोर्थ वन इज नर्वस, ठीक है, नर्वस टिश्यू, मतलब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये मसल जो होते हैं, ये कनेक्टिव जो डिफरेंट बाद में बताऊंगा, एंड एपिथेलियम जो लाइनिंग एपिथेलियम प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो टिश्यूज 4 टाइप का होता है, लेकिन इनमें से और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, ये जो मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू है ना, ये दोनों चीज क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेबल, ठीक है, मतलब क्या,
नर्वस सिस्टम में एक्शन पोटेंशियल जनरेट खुद ब खुद होता है एंड मस्कुलर टिश्यू में भी ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट होता है यानी सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं, मतलब ये खुद का एक्साइटेशन खुद ही कर सकते हैं। और ये दोनों टिश्यूज लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन प्लस मूवमेंट, ठीक है, समझ रहे हो मैं बात को? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कैसे, मस्कुलर टिश्यू हम जो चलते हैं दौड़ते हैं तो ये तो लोकोमोशन हुआ ना, तो इनमें ये दोनों टिश्यू हेल्प करते हैं, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही है, एडप्टेशन, मतलब ये दोनों चीज अगर रहे तभी एक कोई भी तुम कहो एनिमल का एडप्टेशन हो सकता है। कैसे, अगर तुम सोचो ये एक जोन ए में एक एलिमेंट रहता है, ठीक है, वाटर में रहता है, ठीक है, वाटर में रहता है, तो क्या होता है, अगर तुम सोचो एक मछली यहाँ पर चला आया ग्राउंड में, ठीक है, जोन बी में चला आया ग्राउंड में, तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, वो उसका जो मसल्स था उसके मसल्स के थ्रू, अगर तुम मछली को सोचो इस तरह से, कुछ इस तरह से तुम मछली को सोचो, ये फिन्स है, ठीक है, ये मछली क्या करेगा, ये फिन्स को एक्टिव करना स्टार्ट करेगा मसल्स के थ्रू, मतलब ये चलना स्टार्ट करेगा, चलने का कोशिश करेगा, तो इसका किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, इस तरह से एक स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सकता है। बाद में एवोल्यूशन में और भी डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन ये क्या होगा, तब इसका एडप्टेशन होगा। ये मस्कुलर टिश्यू नर्वस टिश्यू किस में हेल्प करते हैं, एडप्टेशन में हेल्प करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे मेन थिंग्स में, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसका नेम किसने दिया था, रुइस्च, ये नेमिंग जो बताया, फिर से रिवाइज कर लो, टिश्यू का नेमिंग किसने किया था, बिचट ने किया था। इसके बाद आते हैं हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, उसका नेमिंग किसने किया था, मायर ने किया था। एंड ऑब्वियसली एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का नेमिंग किया था रुइस्च ने, RUYSCH, ये आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे, नोटबुक में नोट करते जाओ। तो ये वाला वीडियो और भी लॉन्ग करना चाहता था मैं, लेकिन ज्यादा लॉन्ग हो जाता, मतलब 30-35 मिनट्स का वीडियो हो जाता अगर मैं क्लासिफिकेशन भी ऐड कर देता। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइज वॉच द नेक्स्ट वीडियो, लिंक गिवन इन द आई बटन एंड ऑब्वियसली ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।